This video is powered by Video Converter Ultimate. Check description for more information. दोस्तों बहुत दिनों से हम बात कर रहे हैं डिजिटल पेमेंट्स के बारे में और जब भी दोस्तों हम बात करते हैं डिजिटल पेमेंट्स की हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है एक कार्ड और वो दोस्तों जो कार्ड है उसको लेके बहुत सारा कंफ्यूजन है। तो आज आप वीडियो देखते रहिए और मैं आपसे बात करने वाला हूँ ATM कार्ड्स के बारे में, डेबिट कार्ड्स के बारे में और क्रेडिट कार्ड्स के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आप में से बहुत सारे व्यूअर्स के मन में हो सकता है कंफ्यूजन हो सकता है आपको सब कुछ क्लियरली पता हो, लेकिन फिर भी दोस्तों आम जनता में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है अगर आप उनसे बात करते हैं ATM कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स के बीच में। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इन तीनों में ही क्या डिफरेंस है। देखिए ATM कार्ड जो है वो एक ऐसा कार्ड है जिसकी मदद से आप एक ATM मशीन से कैश को विड्रॉ कर सकते हैं। यहां पर दोस्तों आपको कार्ड पे सामने की तरफ कोई भी मास्टर कार्ड, वीजा या फिर रूपे या फिर ऐसा कोई भी दोस्तों लोगो देखने को नहीं मिलेगा। ये जो कार्ड है इसको आप सिर्फ और सिर्फ ATM मशीन से पैसा निकालने के लिए काम में ले सकते हैं और वो दोस्तों जो कार्ड है ये लिंक्ड है आपके बैंक अकाउंट से। इसका मतलब ये कि जितना पैसा आपके अकाउंट में है उसी के हिसाब से आप विड्रॉ कर सकते हैं, आप यहां पे बैंक से उधार नहीं ले सकते। और दोस्तों इस कार्ड को आप उस मशीन के अलावा कहीं और काम में नहीं ले सकते, फिर चाहे वो ऑनलाइन परचेज हो या फिर दोस्तों किसी भी तरह की ऐसी कोई और मशीन हो वहां पे ये कार्ड नहीं चलेगा। दोस्तों दूसरी कैटेगरी का कार्ड होता है वो होता है डेबिट कार्ड। अब यहां पे देखिए दोस्तों जो कार्ड है ये दिखने में बिल्कुल सेम है आपके ATM कार्ड की तरह, फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पे आपको सामने की तरफ दोस्तों मास्टर कार्ड, वीजा या फिर रुपए का कोई ना कोई लोगो देखने को मिलेगा। और इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि ये जो कार्ड है इसको आप एक ATM कार्ड की तरह जहां जहां पे ATM कार्ड चलता है उसके तरह तो काम में ले ही सकते हैं, लेकिन इसके अलावा दोस्तों आप इसको काम में ले सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट्स के या फिर दोस्तों आप इनको काम में ले सकते हैं उन सभी जगहों पे, उन सभी मर्चेंट्स के पास जो दोस्तों मास्टर कार्ड या वीजा कार्ड या फिर रुपए कार्ड को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये बिल्कुल सेम है, लिंक्ड है आपके बैंक अकाउंट से, पैसा आपके बैंक में होगा तभी आप यहां पे इसको यूज कर पाएंगे, लेकिन आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप इसको ATM मशीन पे पैसा निकालने के लिए भी काम में ले सकते हैं और आप इससे जगह जगह पे ऑनलाइन पेमेंट्स भी कर सकते हैं। दोस्तों फिर मैं आपसे बात करता हूं तीसरी कैटेगरी कार्ड की जो कि है क्रेडिट कार्ड। अब यहां पर दोस्तों की जो क्रेडिट कार्ड है ये हो सकता है आपके पास में हो सकता है आपके पास में नहीं हो, क्योंकि यहां पे आपका जो कार्ड है दोस्तों ये कुछ ऐसा है जहां पे आप अपने बैंक से उधार लेते हैं और आप पहले कहीं भी पेमेंट कर देते हैं और उसके बाद में वो जितना भी आपने उसका खर्चा किया उसका आप बाद में अपने बैंक को रिटर्न देते हैं। तो ये एक तरीके से दोस्तों सभी कस्टमर्स को नहीं मिलता है, अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आपके पास में क्रेडिट कार्ड है तो वो एक अलग बात है, अदरवाइज हो सकता है कि नॉर्मल केसेस में आपके पास में डेबिट कार्ड हो या फिर एक ATM कार्ड हो। तो यहां पर दोस्तों होता क्या है कि जो क्रेडिट कार्ड है वो दिखने में बिल्कुल सेम एक डेबिट कार्ड की तरह, वहां पर आपको सेम वही लोगो मिलते हैं, फिर चाहे वो मास्टर कार्ड हो, चाहे वीजा कार्ड हो, चाहे रुपए कार्ड हो, और यहां पर आप उनसे ऑनलाइन जहां चाहे वहां पैसा दे सकते हैं, वहां पर आप पेमेंट कर सकते हैं, जहां पर आपको एक्सेप्टेंस मिलती है मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड या रुपए कार्ड की। उसके अलावा आप इनको जो स्वाइप मशीन्स होती हैं वहां पे भी काम में ले सकते हैं, लेकिन आप ATM से पैसा नहीं निकाल सकते क्रेडिट कार्ड से, क्योंकि यहां पे दोस्तों आपके बैंक अकाउंट से कोई भी लिंक नहीं है। तो आपके पास में फंड्स पीछे क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, वो होंगे ही नहीं बेसिकली, आप एक तरीके से उधार ले रहे हैं और बाद में आपने जब खर्चा कर दिया तब आपको एक फिक्स टाइम के बीच में बैंक को पैसा देना होता है। अगर आप नहीं देते हैं तो बैंक आपसे इनका इंटरेस्ट भी चार्ज करता है। और यहां पर दोस्तों हर एक क्रेडिट कार्ड की एक मंथली स्पेंडिंग लिमिट है जो डिसाइड की जाती है आपके बैंक के द्वारा। दोस्तों ये बहुत ही एक सिंपल डिफरेंस है ATM, डेबिट और क्रेडिट कार्ड के बीच में। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, बहुत ही सिंपल था, कुछ इसमें टेक्निकल नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है हमारे मन में जब हम बात करते हैं कि ATM कार्ड क्या होता है या डेबिट कार्ड क्या होता है, लेकिन मुझे उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो देख के आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। दोस्तों मैं आने वाली एक वीडियो को बताऊंगा कि रुपए कार्ड के बीच में, मास्टर कार्ड के बीच में, वीजा कार्ड के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इन तीनों में कौन सा बेहतर है, कौन सा किस तरीके से कितना अच्छा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप आने वाले वो वीडियो भी जरूर देखेंगे। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस वाले सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा और दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसे ही वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।